यूट्यूब से कितना रुपया मिल गया है अभी तक, सच सच बताना। गड़ियो आज क्यों एनी वीडियो बनू रही मैं, क्यों एनी? ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन यार जवाब सुन। आप एक दिन अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ ना प्लीज। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बल एक दो क्वेश्चन फिर से कॉमन आ रखे हैं कि आपकी एज कितनी है। सबसे पहला फायदा देखो, ठीक है, कौन नहीं पहचानना मुझे। आज का सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल, ब्लॉगिंग करने के 5 फायदे और 5 नुकसान बताएं। आप अपनी ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकते हो। बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो दी, यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है। दी आपके बच्चे भी हैं क्या? बैनी आपने अपना यूट्यूब चैनल कब बनाया और आपका आइडियल कौन था? आप नवराज भाई की सगी सिस्टर हो क्या, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आपकी लव मैरिज है या अरेंज, और आपके हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं। आपको एक सवाल कर रहा हूँ मैं, आप व्लॉगिंग के साथ साथ कुमाऊनी गीतों में डांस करो, अगर आपको लगता है जी सही है तो कमेंट के माध्यम से मुझे उत्तर दें, मैं अपने न्यू सॉन्ग में आपको जरूर मौका दूंगा। आपने एजुकेशन कहाँ तक की है और आप आगे क्या करना चाहती हैं? के हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट? आप उत्तराखंड में कहाँ से हो? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत शाम के 6 बजे से हो रही है आज, और आज कोई व्लॉग नहीं है, Q&A वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से सोच रही हूँ बनाने की लेकिन बन नहीं पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा था। तो एक फ़ोन चाहिए होता है साथ में क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और फिर आंसर देने के लिए भी चाहिए होता है, तो इसीलिए आज तक बन नहीं पाई। तो आज मिस्टर मोटू से कहती हूँ थोड़ा फ़ोन पकड़ देंगे, या अपना फ़ोन मुझे देंगे तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसका आंसर दूंगी आप लोगों को। तो यार थोड़ा लेट ही हो गया है, चलो शुरू करते हैं। गड़ियो आज क्यों एनी वीडियो बनू रही मैं, क्यों एनी? ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन यार जवाब सुनो दे। पहली क्वेश्चन की आ रही, पूजा भट्ट UK 058 शिक्षक प्रश्न से, आप स्कूल में कौन सी क्लास तक पढ़ाते थे? ये आपके लिए है शायद, ठीक है, ये हमारी मोहतमा के लिए है। तो ये क्लास LKG पढ़ाती थी, LKG, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है @Nikhil07 का, अपने पति देव के साथ प्रैंक करो या समय न होन फुर्सत न होन, जै दिन समय लागल ना दोस्त पक्क बनाए जालू प्रैंक वीडियो, कजो प्रैंक बनुंच की जस बनुंच, कजो छाल छाल भान भान की जस बनुंच, मेरे ऊपर एक बार कमेंट में प्यारा वाल लिख दिए मैं कस कमेंट जस की जस चाम छा तेम प्रैंक वीडियो बने, वो जरूर लिखा। अंताजन उम्र ना मैंने करने रहेगा, थोड़ा थोड़ा हाथ खुट कामन मरे, ठीक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, सिंगर भीम कार की कुमाउनी BEA 4160, गजब छ नंबर नाम तमर, बहुत जल्दी मेरा न्यू झोड़ा चाचरी आने वाला है, दिखो यू पहाड़ी संस्कृति भय नहीं जरूर सुनो दाजू, तुम्हारे गाना ले सुनो लो, और रील होली रील ले बना दी, लिंक जरूर शेयर कर जाते हम जरूर बनो ना। योगेश अरोड़ा TC9CY वाल सुन, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बल हला तदू बताए ऑफर जा यहाँ जा वहाँ जा न उम्र हो नहीं, लेकिन अब एक दिन आज तमन दिखाई दूँ मैं, मतलब नहीं सही सही बताई दूँ आज, अब तो पूछने जे मर छ्या मैं जा स्कूल नहीं ना नंदीन पढ़ो नहीं रही भैया, बस वही शौक भी वही कर मरी हूँ। व्लॉग्स विद दिशु करके आइडिया उनकी, तो उनका क्वेश्चन है कि अपने स्कूल में पढ़ाना क्यों छोड़ दिया और आपके हस्बैंड कहाँ पढ़ाते हैं आजकल? तो यार इतना बड़ा कारोबार है, इसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ ना, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतने गाय भैंस हैं, इंसान है घर में, सबको पालना है, तो छोड़ना पड़ा इसी वजह से। अब देखेंगे आगे को क्या होता है, कुछ करेंगे। और मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं शिखर इंटर कॉलेज GD हाट में अभी, खाया मेहरा 2722 उनकी आईडी है। आपके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट? दीदी ये करके क्वेश्चन आया है, तो फिलहाल तो प्राइवेट जॉब करते हैं, कोशिश जा रही है आगे गवर्नमेंट की, अगर हो जाता है तो भगवान की कृपा है। ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है, यूजर पता नहीं क्या क्या है ये, मैं इसमें आपको दिखा दूंगा। यूट्यूब से कितना रुपया मिल गया है अभी तक, सच सच बताना। देखो सच्ची सच्ची बताऊं, ठीक सी, मैं जो है 3 गलोबंद बना लेन, 2 नथन की ऑर्डर दिया रही हूँ, और 2 काना मुनाड़े बनू मरे, खाना में पहनना ना मुनाड़ क्या मैं पहनने रुपया मुनाड़े बना लेन नहीं, और ऑर्डर ले दी रही हूँ 2-3। देखो कदू हिसाब लगा लिया तेन तोला हिसाब नहीं कदू आ रहे,
अब सच्ची सच्ची बताया वो मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग सिंह 678, इनके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, आपने एजुकेशन कहाँ तक की है और आप आगे क्या करना चाहती हैं। तो मैंने एजुकेशन अभी एमए बीए कंप्लीट कर रखा है, एमए एलटी बीए पलटी सब पे है। ये आप कहाँ पढ़ी है जी की स्कूल, अब रुपये चाहिए पढ़ना ऊपर। तो यार मैंने थोड़ा ही पढ़ रखा है, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है, और आगे को कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, देखो क्या होता है। मैं बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन है तो उनके सबके आंसर मैं एक साथ दे रही हूँ। तो अभी आप क्या करते हैं और आप कहाँ रहते हैं? तो मेरा गांव है जागोले डीडीहाट में, मैं अभी डीडीहाट में रहती हूँ अपने ही गांव में, और अभी मैं फिलहाल घर पे ही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। आपको एक सवाल कर रहा हूँ मैं, आप व्लॉगिंग के साथ साथ कुमाऊनी गीतों में डांस करो, अगर आपको लगता है जी सही है तो कमेंट के माध्यम से मुझे उत्तर दें, मैं अपने न्यू सॉन्ग में आपको ज़रूर मौका दूंगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है सिंगर भीम सिंह कार्की जी ने। तो हमारी संस्कृति हमारी पहचान, अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे खुशी होगी, मुझे सीखने का मौका मिलेगा। ये कोर्स करने के लिए क्या हुआ, अब नहीं कर रही हो क्या? आगे क्या करना, आगे क्या करने की सोची है? स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया आपने? तो ये क्वेश्चन द्योपा जी का है। तो खटीमा गई थी कोर्स करने के लिए लेकिन बात नहीं बनी यार, ऐसा ही हो गया था। और आगे अभी सोच रही हूँ कुछ करने की, देखो क्या होता है। स्कूल अभी ज्वाइन नहीं किया है फिलहाल, तो घर पे ही हूँ क्योंकि अभी रोपाई लगने वाली है, घर का काम भी करना जरूरी है। अभी रोपाई लग रही है तो मुझे जाने देंगे नहीं स्कूल में, घर का काम भी करना जरूरी है ना। तो रोपाई के बाद देखूंगी स्कूल में पढ़ाना है या कहीं कोर्स करना है या जो भी होगा। आपकी लव मैरिज है या अरेंज, और आपके हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं? तो मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है ये आपको 50K के बाद पता चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे 50K कंप्लीट हो उसके बाद हम आपको बताएं हमारी लव स्टोरी के बारे में, वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। और हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो मेरे 37K भी कंप्लीट हो चुके हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, जल्दी से मेरे 50K होंगे तो आपको लव मैरिज अरेंज मैरिज के बारे में बताया जाएगा। आप नवराज भाई की सगी सिस्टर हो क्या? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लगते नहीं हो, वो मोटे हैं और आप पतले। तो सगी सिस्टर तो मैं उनकी नहीं हूँ, अब मैं खाली झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन सगी से बढ़कर हूँ मैं ऐसा कह सकती हूँ, और वो भी मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर हैं। तो वो खाते पीते घर के इसलिए मोटे हैं, और उनके व्लॉग आप देखना वो दिन भर खाते ही रहते हैं, और मेरे व्लॉग में भी आप देखोगे वो खाते हुए नज़र आएंगे, और मैं उनकी यार खाया नहीं जाता मुझसे, इसलिए मैं पतली हूँ। तो पतला रहना भी अच्छा है क्योंकि पतला इंसान हर काम आसानी से कर सकता है। दी, आप लोग कितने भाई बहन हो और सबकी फ़ोटो ज़रूर दिखाना। तो हम लोग हैं 3 भाई बहन, मेरी एक छोटी बहन है और मेरा एक भैया भी है। तो जब मायके जाऊंगी, जब हम तीनों साथ में मिलेंगे, जब हमारी मुलाकात होगी तो आपके साथ फ़ोटो शेयर करूंगी और एक व्लॉग भी बनाऊंगी बढ़िया सा। मेरा भैया अभी पिथौरागढ़ में पढ़ाई के लिए गया है और मेरी बहन की शादी खटीमा से हुई है, तो हमारा मिलना जुलना आजकल कम ही होता है। तो जब मायके की ओर जाना होगा तो ज़रूर आपके साथ व्लॉग भी शेयर करूंगी और फ़ोटो भी शेयर करूंगी। आप उत्तराखंड में कहाँ से हो? क्या आप बागेश्वर में कपकोट आए हो? अगर नहीं आए तो आना। तो मैं हूँ पिथौरागढ़ से और बागेश्वर में एक बार आई हूँ, नहीं एक बार नहीं दो बार आई हूँ, तो कपकोट की ओर आना नहीं हुआ मेरा, आना सिर्फ बागेश्वर बागनाथ के मंदिर तक आना ही हुआ। तो अब अगली बार ये कभी भगवान के दर्शन के लिए आना होगा तो ज़रूर कपकोट की ओर भी आएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दीदी प्लीज़ मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ा दो, मैं आपका बहुत 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 बड़ा वाला फ़ैन हूँ। तो मैं किसी के सब्सक्राइबर बढ़ा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आप मेहनत करोगे, अपनी मेहनत से अगर आप सब्सक्राइबर कमाओगे तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कमाया हुआ कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सपोर्ट मैं आपको हमेशा करूँगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसे बढ़ा तो नहीं सकती हूँ। बैनी, आपने अपना यूट्यूब चैनल कब बनाया और आपका आइडियल कौन था? तो विपिन भैया का ये क्वेश्चन है। तो मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था 2021 में, तो अभी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरा आइडल था इसमें, मतलब मेरे हस्बैंड थे जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा। तो पहले मैं बहुत नाचती थी, मुझे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने Instagram खोला था, मैंने Instagram भी शादी के बाद ही अपना चैनल बनाया था, उससे पहले मेरा Instagram में भी कोई चैनल नहीं था। तो उसके बाद इन्होंने बोला यार तू Instagram में तो इतना नाचती रहती है तो YouTube में भी चैनल खोल ले, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। तो फिर मेरा फर्स्ट व्लॉग आप देखना, मतलब मैंने ऐसे बना रखा है वो व्लॉग, मैं क्या कहूँ, मुझे अभी खुद देख के उसको हंसी आती है। तो शुरुआत तो मैंने भी 0 से ही करी थी, अभी बढ़िया अच्छे खासे सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, तो आगे भी मेहनत कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट उसमें कर रहे हैं, हस्बैंड के साथ साथ मेरी फैमिली भी मेरा पूरा सपोर्ट करती है। दी, आपके बच्चे भी हैं क्या? हैं बच्चे?
अगर मेरे बच्चे होते तो मेरे व्लॉग्स में जरूर आते। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होते, रेगुलर मेरी वीडियो देखते हो, तो आपको पता होता मेरे बच्चे हैं या नहीं है। फिलहाल तो मैं ही खुद बच्ची हूँ यार, मेरे पर रहम करो थोड़ा। बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो दी, यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है। तो यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछना चाह रहे हैं, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। अभी ये इरादा नहीं है, क्योंकि अभी हम खुद बच्चे हैं तो थोड़ा अकल आएगी, थोड़ा बड़े होंगे उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। अभी मेरा तो कोई प्लान नहीं है। आज का सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल, ब्लॉगिंग करने के 5 फायदे और 5 नुकसान बताएं जो आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों, गाड़ी एक जगह फंस गई है। अभी क्वेश्चन मेरे ऊपर दाग दिया गया है, ब्लॉगिंग करने के 5 फायदे और 5 नुकसान बताइए, जो आपके साथ हुआ है वही बताना है, ठीक है। सबसे पहला फायदा देखो, ठीक है, कौन नहीं पहचानना मुझे, सबको पहचानन मरे ने यार। मैं एक की को टॉफली खरीद मरी ने कांग भैया की भैया पहले पूछ दिन मेरे, ठीक सी। दूसरा कि मोहतमा का लाली लिपस्टिक का खर्चा तो निकल ही जा रहा है साहब। तीसरा क्या कहते हैं, इनकम थोड़ा बहुत होना मरे भाई यार, जेब खर्च होने मरे चिटके नहीं कून में। और चौथा फायदा सुनो, जो यादगारी है ना, जो दिन भर में हम बना रहे हैं वो यादगारी, वो मेमोरी हमारी सेव हो जा रही है ना। और थोड़ा घर वाले आप कम बोलन में गए ना, हमने कम इजली बोल रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत आप पैसा आने लगा है तो अब थोड़ा सपोर्ट भी करने लगे हैं। ये 5 फायदे थे। अब नुकसान सुनो, आप अपनी ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकते हो, जो चीज़ बना रहे हो वही चीज़ दिखाना पड़ेगा आपने, है कि नहीं, उछल्लू बना नहीं चल। दूसरा, अगर आपने कुछ गड़बड़ बोल दिया, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये आपको जो है बहुत उठा भी देगा और गिरा भी देगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा ना प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होती है साहब, क्या कहूँ ना। अब दवाले खमरे उले दिखुन पड़े, ब्रेडर टुकड़े दिखुन पड़े, मैंने की करने रे भैया, अब दिखुन पड़े कि जब आप रिस्क ले रखा है तो करना पड़ेगा, है ना। दूसरा थोड़ा सा सिक्योरिटी भी, और बाद में जब जैसे कुछ ऑडियंस अच्छी भी आती है और कुछ इतनी मन चली और इतनी तगड़ी ऑडियंस भी या इतने डाई हार्ड फैन भी आते हैं कि आपको संभालने के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उनको से भी आपने टैकल करना पड़ेगा कल के दिन। तो ये मेरे विचार थे, आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। इस विषय में कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो तो माफ कर देना साहब। एक दो क्वेश्चन फिर से कॉमन आ रखे हैं कि आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज अभी 24 है। वैसे मेरा बर्थडे आने वाला है अगले महीने, किसी को गिफ्ट देना हो तो पार्सल कर देना। 18/7/2000 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। वैसे मैं 2000 की हूँ, 1900 में नहीं आई, मैं 2000 में आ गई हूँ। तो अभी मेरी एज है 24 साल। हेलो गीत बहन, कैसी हो? कनाली छीना से आपकी वीडियो देखती हूँ, आप बहुत स्वीट और सुंदर हो, थैंक यू सो मच। आपकी शादी को कितने साल हो गए? आप कितने साल की हो और कौन से गाँव से हो? विनीता दी के व्लॉग में आपको देखा था, तब से मैं आपके डेली व्लॉग देखती हूँ। मेरा रिप्लाई ज़रूर करना प्लीज़ करके, उनका कमेंट आ रखा है ज्योति भट्टी का। तो मेरी एज अभी 24 ईयर, 24 साल की मैं हूँ अभी, और मेरी शादी को अभी 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा गांव है जागधोले डीडीहाट में। और ये क्वेश्चन ना बहुत कॉमन हो गया, बहुत लोगों ने पूछ दिया है, तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ अलग अलग। गीत, मैं तुम्हारा बिग फैन हूँ, तुम्हारा पहाड़ी बोलना अच्छा लगता है, इतनी पतली क्यों? तो यार ये पतली होने पर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मैं जैसी हूँ ना मैं फिट हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं मोटी होना चाहती तो मैं अभी तक हो जाती, लेकिन अब ऐसी ही हूँ मैं, बचपन से ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी ही हूँ, मुझे मोटा होना अच्छा नहीं लगता है। तो थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन पूछा मेरे लिए। हाय गीत, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हो, खदीमा मैं आपका कौन है और आपका मायका कहाँ है? तो थैंक यू सो मच, आपको मैं अच्छी लगती हूँ। और खटीमा में मेरे छोटे दादाजी लोग रहते हैं, मेरी सारी बुआएं वहीं रहती हैं, मतलब मेरे फैमिली के जितने भी लोग हैं सारे वहीं रहते हैं, हमारा परिवार छोड़ के हम ही लोग बस पहाड़ में रहते हैं। और मेरा मायका चौबाटी है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी में। हाय नमस्ते सिस, व्लॉग बहुत अच्छा बनाते हो आप, उसमें आपका पहाड़ी बोलना तो फिर वाकई काबिल तारीफ होता है। वैसे सच कहूँ तो आपके पति भी काफ़ी रंगीले मिजाज के हैं, जैसा एक आम इंसान ही होना चाहिए। बाकी खुद भी मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह बनो।
थैंक्स लव फ्रॉम ओखलकंडा नैनीताल। तो बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कमल ऑफिशियल करके इनकी आईडी है। यहाँ पे बलवंत राठौर जी का एक क्वेश्चन आ रखा है, दिगंबर भाई कहाँ हैं आजकल, कभी उनको भी ब्लॉग में लाना। तो मेरे चाचा जी अभी बॉर्डर में हैं, तो जब वो घर आएंगे तो हम ज़रूर आपको उनके साथ मिलाएंगे, तो ज़रूर ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे। और उनकी फैमिली अभी मुंशारी में है, तो वो अभी घर नहीं आए हैं, अब गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, क्या पता अगर वो गाँव आते हैं तो ज़रूर उनको ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक और बात, मेरे पापा आपको याद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप उनके दोस्त हो। एक क्वेश्चन मेरे लिए भी आया है, ज़रा उसको भी सुन लो। खादी जी नमस्कार, आपके ब्लॉग में डेली फॉलो करता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। या आपके लिए होगा शायद, मेरे लिए नहीं। प्लीज़ मेक शेड्यूल फॉर मीटअप वंस इन लोहाघाट। जरूर साहब, आपको लोहाघाट में ज़रूर मिलेंगे अगली बार। अभी आए तो लव फ्रॉम लोहाघाट। पूरे लोहाघाट वासियों से, वासियों को तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने सप्रेम हमारे लिए इतना अच्छा संदेश भेजा। दरबान सिंह जी को बहुत बहुत कोटि कोटि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। ज़रूर मिलेंगे साहब, जब मौका मिलेगा ज़रूर मिलेंगे, और आपको इत्तला कर दिया जाएगा कि हम पधार रहे हैं लोहाघाट। धन्यवाद। करिश्मा धामी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, मैं आपका डेली व्लॉग देखती हूँ, माय फेवरेट दी, आप एक दिन अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ ना प्लीज़। तो जितना हम लोग घर में डेली यूज करते हैं उतना ही हमने अभी पहन रखा है, और बाकी का जो हमारा गोल्ड है वो अभी लॉकर में रखा है। तो जब कभी शादी होती है गांव में या कोई बड़े फंक्शन होते हैं, उस टाइम पे हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, वैसे डेली यूज में तो हम यूज नहीं करते हैं। तो कभी शादी होगी अगर, तो तब मैं आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी। तो दगड़ियों, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, किसी का क्वेश्चन नहीं ले पाया तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। आप ऐसी चुलबुले चटपटे लजीज क्वेश्चन भेजते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका हफ्ते 15 दिन में तो रिप्लाई दे ही दूँ। मतलब कि 15 दिन में मैं सोच रहा हूँ कि आपसे एक Q&A वीडियो लगातार हम आपसे रूबरू हूँ, और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, और कार्य करने की शक्ति जो है, अंदरूनी शक्ति जो है, आप लोग प्रदान करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।